कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है कांग्रेस की, ये सोच मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देंगे। आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए। कंगना जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं? ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? और क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत के महिलाओं का सम्मान करती है, और अगर वो अपने कार्य के साथ साथ राजनीति में, देश सेवा में समय देते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। लेकिन कांग्रेस की ये सोच मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं, और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देंगे।